कृष्ण एंड लेट्स डू द रीडिंग. वो क्या सोच रहे हैं 13 मार्च. ठीक है, सो दोपहर में रीडिंग आने वाली है. ओके, अभी शाम को आप कह सकते हैं. ओके, अभी और एडिट भी होगी रीडिंग, तो वो एक अलग बात होगी. लेकिन चलो फिर मैं रीडिंग निकाल रहा हूँ. ठीक है, सो लेट्स वर्क ऑन इट. ठीक है, हमारे सामने 3 डेक हैं. द फर्स्ट वन इज द टैरो, सेकंड वन इज द मैसेजेस, एंजेलिक फेयरी मैसेजेस एंड अनदर साइड ऑफ द टैरो. ठीक है, तो 3 ऐसे डेक हैं हमारे पास. तो हम देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है उनकी सोच में, है ना. लेट्स डू द शफलिंग वर्क फॉर वन टाइम. दैट्स इट, एक बार बस हो गया. एंड वी हैव द कार्ड्स रेडी. ठीक है, तो चलो देखते हैं रीडिंग क्या आती है ना. लेट्स फोकस ऑन इट भाई, चलो. वो अगेन ये कार्ड आ गया. आई थिंक कल भी ये कार्ड आ गया था दिल की बातें में, एंड आज वो क्या सोच रहे वही कार्ड आ गया. आई मीन 13 मार्च की एनर्जी बहुत अच्छी लग रही है मुझे. ओके, टू अब कब से यहाँ पे आ गया है. ये व्यक्ति भी सोच रहा है कि भाई चलो मिलते हैं, बातें करते हैं एंड कुछ खाते हैं साथ मिलकर, है ना. दिल जोड़ने का तरीका शायद उन्होंने ढूंढ लिया है. सो अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा दूर है आपसे तो शायद आपके पास आने की कोशिश कर सकता है. यू नो कि भाई चलो जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं एंड लेट्स डू अ फ्रेश स्टार्ट टुगेदर, है ना. एक नई शुरुआत करते हैं. अब 2 ऑफ कप्स में क्या है कि भाई ये अपनी दिल की हालत आपके सामने रख रहे हैं. दिल की हालत जो इनकी सोच है, सोच जो होती है इंसान के काबू में नहीं होती, है ना. जितने भी लोग हम देखते हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं सोच तो होती है. आई मीन इतने सारे मिलियंस बिलियंस थॉट्स आते हैं, वो चलते रहते हैं. लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बस कुछ ही बातों को लेके सोचता रहता है ना. जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने खाना खा लिया है, उनको कौन सा कलर पसंद है, मैं उनके कौन से पसंद का ड्रेस पहनना है. यू नो ये सोच चलती रहती है. 2 ऑफ कप्स में व्यक्ति इजहार करना चाहता है कि भाई जो भी हुआ है, मे बी अगर लड़ाई हुई है बीच में या फिर बात नहीं हुई है 2-4 दिन से, तो यू नो आपसे बात करना चाहते हैं. सो दैट इज़ द वन थिंग, भाई कैसे शुरू करें आपसे बात करना, है ना. हेलो कहे, हाय कहे, या फिर कोई कोट भेजे, या फिर कहे कि भाई गुस्सा मुझसे, यू नो ऐसे कोई बात होती है. द पर्सन वांट टू जस्ट ब्लेस यू माय सिस्टर. ओके, सो दिस इज द वन 2 ऑफ कप्स में दिस पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विद यू. एंड जैसे वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी. ठीक है, तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आ रहा है एंड ये व्यक्ति आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है. ठीक, तो अगर ये आपके पास आते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. माय डैड इज ओवर हियर, मैंने कैट को बुला रहे हैं. ओके, ओके, सो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है. सो आई गेस अगर दूरियाँ हैं तो शायद दूर हो सकती है, नज़दीक आने की कोशिश हो सकती है. यू नो अगर आप साथ मिलके कहीं पे कुछ यू नो डेटिंग का प्लान बना रहे हैं या फिर कुछ खाने का प्लान बना रहे हैं या फिर एटलीस्ट मिलने का प्लान बना रहे हैं कि भाई चलो कहीं पे मिलते हैं, यू नो तो अच्छा होगा. ठीक है, एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना. वो जस्ट वांट टू शेयर विथ यू अ काइंड ऑफ मूवी. ठीक है, जो मैंने देखा नेटफ्लिक्स में एंड बहुत ही अच्छा मूवी है वो. उसका नाम है एंजेलास क्रिसमस. ठीक है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा. आई थिंक 7+ के लिए रीडिंग होगी, मतलब 7+ के लिए वो वीडियो होगा. तो उसमें एक बहुत ही अच्छी जो स्टोरी बताई है, द स्टोरी स्टार्ट्स लाइक दिस. आई मीन क्रिसमस होता है, 1914 की बात है एंड सब फैमिली मिलकर जाती है चर्च में एंड वहाँ पर यू नो के पास जैकेट्स भी नहीं होते पहनने के लिए, मतलब गरीबी होती है. तो यू नो बड़ा भाई उसको देता है छोटी बहन को अपना यू नो कोट पहनने के लिए, लाइक वैसे सो दिखाई देता है. फिर वो जाते हैं क्रिसमस में, लेकिन वहाँ पे यू नो चर्च में क्या होता है कि जो बेबी जीसस होता है उसे ऐसे ही रखते हैं. मीन यू नो उसके ऊपर कोई शॉल नहीं है या फिर कुछ नहीं है. सो एंजेला जो लड़की है छोटी सी, उसको लगता है कि मुझे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. तो उसे लेती है एंड शी इज़ ट्राइंग टू यू नो कि वो उसे अपने घर लाती है एंड फिर यू नो कि भाई कंबल ओढ़ती है उसके ऊपर. सो शी जस्ट वांटेड टू मेक हिम फील गुड. फिर वो कैसे चीज़ें होती हैं, लाइक बहुत ही अच्छी मूवी है, आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा. 30 मिनट्स की मूवी है. ठीक है, सो ये सोच है तो होती है, यू नो दिस इज़ लाइक द ट्रू लव, ट्रू सागा. ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है. ओके, द नेक्स्ट कार्ड कमिंग ओवर हियर इज वाओ 4 ऑफ रॉड्स. कौन है भाई इतना जो 2 ऑफ कप्स के बाद डायरेक्टली शादी के सपने बना रहा है. ओके, कोई तो है भाई, चलो जो शादी के सपने बुन रहा है, है ना. देखो शादी के सपने बुनना बहुत ही अच्छी बात होती है एंड आई थिंक ये व्यक्ति बहुत ही उतावला है कि भाई चलो कब तुम मेरे सपनों की रानी डायरेक्टली आओगी मेरे लाइफ में. ओके, ऐसे हो सकता है कब मेरा राजकुमार आएगा डायरेक्टली घोड़ों से निकल के मेरे सामने.
आई मीन यू नो एक बहुत ही कंफर्टेबल सी फीलिंग होती है. एंड अब अरेंज मैरिज का तो पता नहीं, लेकिन लव मैरिज जब होती है, आई मीन माई कज़न डिड लव मैरिज. ओके, सो मैंने उसके फ़ोटोज़ देखे, मैन आई वॉज इन देयर, बट उसने फ़ोटोज़ दिखाए मुझे थ्रू व्हाट्सएप एंड लाइक वाइज. सो बालों का स्टाइल उसने अलग किया था एंड अलग दिख रही थी, बट यू नो लुकिंग एट हर हैप्पीनेस वाज क्यूट. उसके बाद अभी वो नासिक गई थी तो उसके फ़ोटो उसने अपलोड किए थे, यू नो दोनों साथ में थे एंड बीच में हार्ड बना था एंड लाइक वाइज, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी. ठीक है, तो फोर ऑफ फ्रॉड्स में क्या है कि व्यक्ति आपके सपने देख रहा है, ठीक है, एंड मे बी ये सपने पूरे करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. अब फोर ऑफ रॉड्स में अगर ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, जस्ट फोकस ऑन इट, है ना, ये क्या है उसके दिल में कि आपको लेके बहुत ही जल्द आगे बढ़ने वाला है, शादी चाहिए उसको, कस्में वादे रिश्ते निभाना वगैरह चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी टू ऑफ कप्स में क्या है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक रिंग का एहसास हो रहा है, यू नो इस काइंड ऑफ एंगेजमेंट प्रोसीजर. ठीक है, एंगेजमेंट शायद करने की सोच रहा है ये व्यक्ति, तो मे बी द फर्स्ट वन की शायद आपके सामने एंगेजमेंट का प्रस्ताव रखे या फिर शादी का. ठीक है, दोनों में से कोई भी एक बात आपके सामने हो सकती है. जो भी हो जाए वो रेजोनेट हो सकती है. ओके, अब जो ऑलरेडी मैरिड है तो उनके लिए कार्ड क्या कहूँगा मैं भाई, चलो बहुत अच्छा प्यार करते हैं, यू नो व्हाटएवर इट्स गुड, यू नो. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पे ये व्यक्ति आपके साथ बहुत फ्री होना चाहता है. एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो योर हस्बैंड योर वाइफ जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू, कि चलो सब लोग मिलते हैं, आपके जो भी दोस्त हैं कुछ कप्पे हाँकते हैं, यू नो तब कैसे हुआ था एंड क्या हुआ था एंड लाइक वाइज. सो दिस कुड बी अ रीज़न फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ठीक है, थर्ड कार्ड देखते हैं क्या है, एंड वो है नाइट ऑफ रॉड्स. ये कार्ड काफ़ी आ रहा है, यू नो ये एनर्जी शायद फॉलो करती है, पता नहीं क्यों, लेकिन कार्ड काफ़ी आ रहा है. ठीक है, नाइट ऑफ रॉड्स है, पैशन है यहाँ पे, कश्मकश है. एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति दो तरफ से डील कर रहा है. ठीक है, एक तरफ है उसे ऊंचाइयाँ छूनी हैं अपने करियर में, अपनी जॉब में, ठीक है, बिजनेस में उसको आगे बढ़ना है. वही अगर हम बात करते हैं इसके लाइफस्टाइल की, तो ये व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है एंड दिस पर्सन इज़ रियली एंथुजियास्टिक. ओके, पैशन, लव मेकिंग अगर हम कहते हैं, सेक्सुअल चीज़ें कहते हैं, तो इसके लिए वो बहुत पैशनेट है, यू नो आपको पाना चाहता है. लेकिन सही बात तब होगी जब वो सभी प्रोसीजर देखो, यहाँ पे जो रीडिंग मिल रही है ना वो उस हिसाब से है, यू नो कुछ लोग शायद इसको अलग समझेंगे, लेकिन मैं बस वही बता रहा हूँ. देखो एक प्रोसीजर हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एंगेजमेंट है, देन मैरिज है एंड देन सेक्स है, समझे, ये उल्टा नहीं कि ये पहले हो गया एंड फिर एंगेजमेंट फिर मैरिज. ओके, सो लाइक वाइज, सो जस्ट कंसिडर अबाउट दीज थिंग, इट्स नॉट अबाउट द कबीर सिंह. ओके, आई जस्ट रेड द स्टोरी, मैंने मूवी नहीं देखी लेकिन स्टोरी बस रेड की. तो इट्स नॉट अबाउट दैट वन, इट्स अ टोटल प्रोसीजर, यू नो मे बी यू जस्ट मेट, देन एंगेजमेंट, देन मैरिज एंड देन ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग. तो यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है, पर्सपेक्टिव हो रहा है, ये व्यक्ति आपको समझ रहा है कि भाई व्हाट इज दैट वन, यू नो. तो एक सही प्रोसीजर फॉलो हो रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. ओके, फोर्थ कार्ड यहाँ पे आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स. ओके, अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हुई नजर आ रही है भाई. ओके, भाई बहन जो भी है, ओके, लुक ब्रदर एंड सिस्टर, यू नो व्हाटएवर दिस थिंग मींस, यू नो. देखो अब तक तो सब चीज़ें ठीक थी कि भाई चलो सभी चीज़ें सही हो रही है, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ट्स क्यों आ रहा है यहाँ पे? देखो ये मतलब ऐसा हुआ कि तुम एक बार आओ तो सही, देखो तो सही, जैसे ही देख ले अब तुम्हें करना पड़ेगा, यू नो एंड लाइक. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपना चाहता है. ठीक है, सो लाइक जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है. एंड वो एग्जाम्पल इस प्रकार के हैं कि भाई ये व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, इसने आपको प्रपोज़ किया, कहा कि मैं आपका ख्याल रखूँगा एंड लाइक वाइज शादी की आपसे, सेक्सुअल चीज़ें भी हुई, लेकिन अब वो आपको कह रहा है कि अभी आपको मेरे मुताबिक ही रहना होगा, जो मेरी फैमिली कह रही है वैसे रहना होगा, यू नो, क्योंकि आपको शॉर्ट ड्रेस पसंद है, नहीं आप शॉर्ट ड्रेस नहीं पहन सकते. ओके, आपको यही करना होगा, आपको वही करना होगा, यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू डू लाइक दैट. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बात हो रही है. एंड अगर हम जॉब की बात करते हैं तो जस्ट इमेजिन कि भाई एक कंपनी आपको बुला रही है, आओ तो सही, देखो तो सही, कितना अच्छा जॉब है. आप जाते हैं एंड वो कहते हैं कि चलो आपको मिल गया प्रोसीजर, यू नो, एंड यू वी हैव गिवन दिस काइंड ऑफ प्लेस, यू नो यू गॉट दिस काइंड ऑफ पोस्ट, अब आपको हम जो कहें वैसे करना होगा, टाइम शेड्यूल बिल्कुल नहीं है, जब बुलाएंगे आपको आना पड़ेगा, यहाँ पर बैठना पड़ेगा, 7 days का जॉब है. पहले बताया था कि बिल्कुल कम्फर्ट नहीं, बिल्कुल कम्फर्ट नहीं, यू नो समवेयर ये चीज़ यहाँ पे हो रही, किंग ऑफ सॉर्ट है, या फिर व्यक्ति ओवर प्रोटेक्टिव है. ठीक है, अब बात ये होती है कि भाई जो व्यक्ति ओवर प्रोटेक्टिव होता है उसके, यू नो, जब ऐसा कुछ होता है तो हमें तकलीफ होती है, यू नो, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट अ पर्सन विथ अस हु इज़ गोना बी ओवर प्रोटेक्टिव, है ना.
ऐसे नहीं कि वी हैव टू बी लाइक जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दैट. आई मीन ये भी चीज़ें फिर तकलीफ लगती हैं, बिकॉज आई नो समबडी फ्रॉम इटली, ठीक है, एंड द पर्सन वॉज टू मी लाइक अ ग्रैनी, ठीक है. तो उन्होंने मुझे अपनी बचपन की बातें बताई. उन्होंने कहा कि उनकी शी लिव विथ हर आंट, तो उनकी आंट हमेशा जो भी उनसे अगर छोटी भी गलती होगी तो उनको चर्च लेके जा देती. उनको फिर इतनी बात खटकी फिर वो चर्च जाने ही उन्होंने बंद कर दिया. वाई? बिकॉज ओवर प्रोटेक्टिव, हमेशा गॉड को करो कि हाँ भाई मुझसे सिन हो गया, मुझसे ये हो गया, सिन हो. खटकता है ये व्यक्ति, है ना, खटकता है ये बात. तो अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा है, फिर यू गॉन थ्रू, यू नो, कि भाई ये करना ही है आपको, जैसे घर आ गए चलो यू नो आपकी जो फर्श है वो पोछो एंड लाइक वैसे ये करो वो करो, तो बहुत तकलीफ होती है, ठीक है. एंड देन ऐसा कमिंग फ्रॉम दिस रीडिंग इज दिस वन, देखते हैं ये कार्ड क्या बताता है. क्वीन ऑफ रॉड्स, ओके. देखो यहाँ पे एक एक चीज़ उभर के आ रही है, देखिए क्वीन ऑफ रॉड्स, यहाँ पे आपका आपकी असलियत बाहर आ सकती है, ठीक है, समवेयर. तो ये टैरो कार्ड है, ओके, ये आपको एक अंदेशा देता है, ओके. देखो अंदेशा देना मतलब जैसे गूगल मैप से, ठीक है, आप मैप देख रहे हैं कि भाई तीन रास्ते हैं, क्या चुनना है वो आपके हाथ में. मैप नहीं कहेगा भाई ये चुनो, यू नो, आपको चुनना है क्या है आपके लिए, है ना. ऐसे तीन रास्ते हैं, आप कोई एक रास्ता आपके लिए चुन रहे हैं, यू नो, तो आपने चुन लिया कोई रास्ता, वो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी, यू नो. टैरो इट जस्ट गाइड्स यू. तो क्वीन ऑफ रॉड्स में क्या है कि भाई यू आर लुकिंग एट दिस पर्सन कि क्या ये व्यक्ति सच में इतना एंथुजियास्टिक है, सच में मेरे लिए पैशनेट है, मेरे बारे में सोचता है, एंड वॉट शुड आई डू, यू नो. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप उसके हाँ में हाँ मिलाओगे, लग रहा है मुझे. लेकिन 20% तो चांसेस बनते हैं कि आप रिबेलियस नेचर पे उतर आओगे, ठीक है ना. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके. जैसे कि आपके घर में अगर मेड है या फिर यू नो, तो ये बात नहीं है कि भाई आप उन्हें जो भी चाहे कहे, यू नो, दे हैव सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना. तो अगर आपकी हालत भी ऐसी ही कर रखी है इस व्यक्ति ने, तो कहीं ना कहीं भी तकलीफ आपको होगी. आई मीन जस्ट इमेजिन यू आर विद कलरफुल ड्रेसेस, पर्स एंड वट एवर यू आर वियरिंग, एंड अब आपको कंडीशन बताई जा रही है कि आप पर्पल नहीं पहन सकते, आप ब्लैक नहीं पहन सकते, इस घर की परंपरा आप ब्लैक नहीं पहन सकते, आप ये खा नहीं सकते, यू हैव टू बी वेजिटेरियन, लाइक वैसे. तो फिर चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं, ओके. एंड दैट इज समथिंग, आई मीन रियल एग्जाम्पल आपके सामने पुट फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है. माई सिस्टर वेंट फॉर एन आर्ट ऑफ लिविंग सेशन, तो वहाँ पे उसे एक फीमेल पर्सन मिली, शी इज़ डूइंग ए ब्यूटी पार्लर, ठीक है. तो उसने कहा, ऐसे बातें शेयर करे, तो उसने कहा कि भाई क्या हो रहा था उसके लाइफ में. सो बोथ नो ईच अदर, एंड शादी हुई, लव मैरिज हुई, ठीक है, क्लोज रिलेशनशिप भी था, एक दूसरे को जानते थे, तो शादी हुई. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये तो नॉन वेजिटेरियन है, लड़के ने कहा तू पूरे वेजिटेरियन बनेगी, इसके गले में माला डाल दी, बाकी आप तो आपको वेजिटेरियन बनना ही पड़ेगा. इसने क्या कहा कि अब मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूँगी, यू नो, घर में रहते थे तो उसे जाना पड़ता था खेत में वगैरह, उसने कहा कि हम कहीं पे और रहते हैं. तो इसने इसको क्या कहा, घर दिलवा दी. देखो इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, क्या मिला दोनों को, तो ये बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं पर, ठीक है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग. तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये व्यक्ति की जो पूरी इन्फॉर्मेशन वो निकाल लीजिए, उससे कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, उससे बातें कीजिए कि भाई एग्जैक्टली क्या है तुम्हारे दिमाग में, है ना. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि एक मैं राहुल सुब्रमण्यम का एक वीडियो देख रहा था, क्राउड वर्क, ओके, आपको भी दिखेगा यूट्यूब पे. तो उसमें एक वीडियो था, उसमें से उन्होंने ही टॉक टू अ कपल, तो उसने कहा कि यू वेंट आफ्टर मैरिज टू अ प्लेस, उन्होंने कहा ऊटी, देन दे सेड जस्ट फॉर 3 days. उसने कहा क्यों, तो उसने कहा कि बिकॉज आई हैड टू जॉइन my company. So you know, very beautiful thing, बस 3 days. Why? Because he had to join. I mean, उसने अपने करियर को फोकस किया instead of his life, love life, है ना. किसी के साथ रिश्ता टूटता है इस वजह से, बट यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, ठीक है. तो इस बात के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है. 13 minutes हो चुके हैं सिंगल डेक के लिए. अब देखते हैं यहाँ पर रीडिंग क्या आती है, ठीक है. सेकेंड फर्स्ट कार्ड इज कमिंग, हियर इज एंड ऑफ रिलेशनशिप. वो ये क्यों कार्ड आ गया भाई. देखो यहाँ पे जो मोमेंटम मिल रहा है वो किसी इस प्रकार का है कि अगर आप इस व्यक्ति को बहुत 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 चाहते हैं, आपको कोई फिक्र नहीं कि व्यक्ति का पास्ट क्या था, तो मे बी उसने अपने किसी एक्स के साथ ब्रेकअप कर लिया है एंड आपकी तरफ आ रहा है, या फिर दिस पर्सन इज गॉन थ्रू डिवोर्स एंड कमिंग बैक टू यू. अब सवाल ये आता है, क्या आप लिटरली फोकस करते हैं कि उसके पास्ट में क्या हुआ. अगर करते हैं तो कर लीजिए, नहीं करिए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ उसके पास्ट में. यू विल जस्ट सी दैट आई डोंट केयर, वो एक्स के साथ था, वट एवर ही हैज़ डन विद द एक्स, ही वॉज टुगेदर ड्यूरिंग डे और नाइट, आई डोंट केयर, आई जस्ट वॉन्ट हिम इन माई लाइफ, दैट्स इट, यू नो. तो कोई ना कोई एंड यहाँ पे हो रहा है रिलेशनशिप का, ठीक है. या तो एक्स के साथ होगा, या फिर अगर हम कह रहे हैं कि भाई कोई थर्ड पार्टी है तो शायद आपके साथ एंड हो सकता है, द पर्सन इज गोइंग देयर. तो जहाँ पे एंड है वहाँ पे एंड तो होता ही है,
ठीक है, लेकिन किसी अलग अलग तरह का एंड होता है, ठीक है। अब ऐसा कोई भी बात नहीं है एंड यू फील लाइक तो ये कार्ड मुझे क्या रिजोनेट करेगा, ओके। देखो कहीं ना कहीं पे अगर आपकी कोई एक कमिटमेंट थी तो शायद कमिटमेंट टूट सकती है, ठीक है। मैं भी आपने कहा था कि आपको डायबिटीज़ है, बिल्कुल भी मीठा मत खाना, एंड उन्होंने मीठा खा लिया, कमिटमेंट टूट गई, ठीक है, एंड ऑफ दैट कमिटेड रिलेशनशिप, है ना, थोड़ी बहुत तो एंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे छोटी भी लेवल पे ही हो सकता है एंड बड़ी लेवल पे भी हो सकता है, यू नो, जो आपके साथ हो रहा है आप उसे ले लीजिए, ठीक है, बिकॉज जनरल रीडिंग नॉट अ पर्सनल रीडिंग, ठीक है। यू रीच योर गोल, ठीक, ये व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे पे फिटनेस दिख रहा है, यू नो, फिटनेस ट्रैकिंग, लाइक व्हाटएवर ही इज़ गोना डू विद द फिटनेस, लाइक उसे ये कंप्लीट करना है नहीं करना है, तो वही उसके बारे में सोच रहा है, यू नो, जस्ट लाइक पीपल ओवर देयर टॉकिंग अबाउट द फिटबिट, दैट उन्होंने फिटबिट पहना एंड दे वर काउंटिंग द स्टेप्स एंड लाइक वेल, एंड देयर आर आल्सो सम वुमेन हु जस्ट यू नो क्वेश्चन हिम और हर रिगार्डिंग दिस वन, कि भाई आपने फिटबिट पहना एंड आपने इतने स्टेप्स कंप्लीट किए, वन ऑफ अ फ्रेंड उसने भी उतने ही स्टेप्स कंप्लीट किए, हाउ, ओके, वो भी होता है, जस्ट अ मिनट, मुझे छींक आई थी, सो ब्लेस मी, ओके। देखो मैं बस जो पहला कार्ड था ना, इसके पहले जो डेक था उसमें जो मैंने कहा था वो ये था कि भाई किसी के लिए चेंज होना बुरा नहीं है, ओके, दैट इज़ वन थिंग, लेकिन सिर्फ आप ही खुद को चेंज करो और सामने वाला अपनी ही मनमानी करता रहे, ये तो खुद के साथ जानबूझ के गलत करना हुआ, ठीक है। आगे जाके वही बातें ऐसा महसूस करवाती हैं जैसे दम घुट रहा है, सो प्यार करे लेकिन सोच समझ के एक्शंस ले, है ना, तो वो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि लोग प्यार में अंधे होते हैं, यू नो, मतलब यू नो दैट दिस पर्सन हैज़ एक्स, या फिर यो रातों को घूम रहा है अकेला, आई मीन ऑन वैलेंटाइंस डे ही इज़ मिसिंग एंड स्टिल आई लव हिम, यू नो, तो क्या मिला आपको, वो कहीं और है के साथ मजे उड़ा रहा है, वट एवर यू नो, यू जस्ट स्टिल यू फील दैट नो ही इज़ माइन, यू नो, हाँ आपका आपका है, आपके दिल में, उसके दिल में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति आप हो, ऐसा कि उसके दिल में से आप ही हो, ठीक है, तो फ़र्क है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं, ठीक है, थर्ड कार्ड कमिंग ओवर हियर इज दिस वन, जो कि है चॉइसेस, वो वैसे हमने चॉइसेस हैं, क्यों हैं, अब देखो चॉइसेस एक छोटी सी बात हो सकती है कि भाई उसे कुछ खरीदना है, कपड़े हो सकते हैं, ग्रोसरी हो सकती है, यू नो चॉइसेस है, या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है कि भाई क्या करें क्या ना करें, जैसे कि ना हमें फ़ोन ख़रीदना है, ओप्पो है, रियलमी है, रेडमी है, सैमसंग है, मोटरोला है, कौन सा खरीदे, यू नो लाइक चॉइसेस, ठीक, सो दिस इज़ गोना बी अ चॉइस इन फ्रंट ऑफ देम, सो जस्ट फोकस ऑन इट, ठीक है। फोर्थ कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है सीरियस रिलेशनशिप्स या सीरियस रिलेशनशिप, दोनों कार्ड यहाँ पे दोनों वर्ड्स मैच होते हैं, ठीक, वन बाय वन रिलेशनशिप को सीरियल रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा है, यू नो, सो वन बाय वन ये रिलेशनशिप को देख रहा है, यू नो, जैसे कि हम कैसे कहेंगे कि भाई ये मैच्योर व्यक्ति है जिन्होंने रिलेशनशिप देखी है अपनी ज़िंदगी में, एटलीस्ट सुना है कि भाई कौन व्यक्ति कैसा ट्रीट करे, जैसे कि यू नो इसके दोस्त ने कैसा ट्रीट किया उसके गर्लफ्रेंड को, या फिर अब उसके उसने अपनी लाइफ में देखा होगा उसके चाचू मामू अंकल को कि भाई वो अपने कैसे ट्रीट करते हैं, फिर उनकी लाइफ कैसे हो गई है लाइफ वाइज, तो वन बाय वन एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ रहा है, तो मे बी दिस पर्सन हैज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट रिलेशनशिप्स बिकॉज ही हैड डेटेड सो मेनी पीपल, ठीक है, तो वो एक बात हो सकती है कि भाई उसको इतनी सारी नॉलेज है, क्योंकि जो इमैच्योर पर्सन होता है वो बहुत सारी गलतियाँ करता है, टाइम पे नहीं आएगा, यू नो आपके सामने पानी या चाय पीते वक्त थरथराएगा, यू नो लाइक ऐसी चीज़ें होंगी, फर्स्ट टाइम ही इज़ लुकिंग एट द गर्ल एंड लाइक वाइज, सो हाँ, लेकिन जिसको अनुभव है वो बहुत ही ईजी महसूस करेगा एंड आपको बहुत ईजी महसूस कराएगा, डोंट वरी आई एम विथ यू, तो वो एक बात कहीं ना कहीं पर आ रही है। एंड द फिफ्थ कार्ड कमिंग फ्रॉम दिस डेक, ओके, दैट इज दिस वन, जो कि है इनडिसिसिवनेस, ओके, तो ये इनडिसिसिवनेस है, इसका मतलब है कि ये व्यक्ति अभी भी किसी कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, एंड इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ठीक है, आई मीन लिटरली आई नो देर आर सच काइंड ऑफ पीपल हु डू एग्जिस्ट, ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई आई लव समबड़ी बट दैट समबड़ी लव समबड़ी, मतलब मुझे कोई पसंद है और उसे कोई और पसंद है लेकिन उसे मैं भी पसंद, तो ये क्या बात हुई मुझे ये पसंद है उसे मैं पसंद हूँ और उसे और कोई पसंद है उस और कोई ये पसंद है लेकिन और कोई को मैं पसंद नहीं हूँ, आई मीन ये क्या हो गया, ठीक है भाई, आपकी ज़िंदगी है जैसे चाहे जियो, मुझे क्या करना है, ठीक है, चलो फर्स्ट कार्ड कंप्लीशन बिगिनिंग एंडिंग, तो किसी के लिए आज एक कंप्लीशन हो सकती है एंड एंडिंग हो सकती है, लाइक एनिवर्सरी इज़ कमिंग वेरी क्लोज क्विकली, ठीक है, बर्थडे हो सकता है, या फिर कि भाई ब्रेकअप हो गया, थैंक यू गुड बाय फॉर एवर, ठीक है,
देखो, एक शुरुआत है और बिगिनिंग और एंडिंग भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि एक दो हॉस्पिटल के वार्ड है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे, मान लीजिए दोनों वार्ड में 10 फीट का अंतर है या फिर मान लीजिए 2 मीटर का अंतर है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे किसी बच्चे का जन्म हो रहा है और यहाँ पे कोई मर रहा है या फिर जैसे जन्म हुआ मर गया, बिगिनिंग होगी एंडिंग होगी, खुशी, अरे यार बेटा पैदा हुआ, यहाँ पे वो मर गए, इमेजिन। तो बिगिनिंग भी हो गई एंडिंग हो गई, यू नो। कोई लोग कहते हैं कैसा कार्ड है, देखो होता है ऐसी चीज़ें, हम लोग 100 साल नहीं जीने वाले, बीच में ही कहीं पर टपकने वाले हैं, दैट इज़ अ ट्रू थिंग, है ना। जिनके साथ होगा वो समझ जाएंगे, बिकॉज दिस लिटरली हैपन, ओके, ये सच में होता है, ओके, जाखा बस, ओके। सो लेट्स टेक अ लुक एट द सेकंड कार्ड एंड दैट इज दिस वन, जो कि है ओके 8 of Wands, स्ट्रेस। ये व्यक्ति स्ट्रेस्ड है बहुत सारा, ठीक है, 8 of Wands है, फायर साइन एक्शन का कार्ड है, स्ट्रेस है, क्या एक्शन लूम है ना। देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिल तोड़ के रहेगा, या तो खुद का, या तो आपका, या कोई थर्ड पर्सन का, जिनको आप दोनों जानते हो कि भाई ये उसके साथ था मेरे, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे उससे लेना देना है ना। तो एक ट्राइंगल तैयार हुआ, यू नो बॉलीवुड मूवीज ट्राइंगल तैयार होता था। सो लाइकवाइज ये व्यक्ति स्ट्रेस है कि भाई करूँ तो क्या करूँ, है ना। अब देखो सिचुएशन अगर ऐसे इसने क्रिएट ही की है तो वैसे ही होगा ना, यू कॉन्ट स्टॉप दिस। देखो मोमबत्ती अगर जल रही है तो कभी ना कभी तो बुझेगी, ऐसे नहीं कि भाई जल रही है पिछले 100 सालों से मोमबत्ती जल रही है, ऐसा नहीं होगा, दिया भी बुझता है। जब मैं जाता हूँ तो दत्त मंदिर के यहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगा था कि भाई ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, यू नो यहाँ पे हमेशा दिया जलता है। उस दिन गया तो पुजारी ने दिया बुझाया था फिर जलाया, आई मीन जस्ट बुझ गया, तो पता नहीं कि उसका मेंटेनेंस चल रहा था क्या था, लेकिन या उसके बाद फिर उसने 3-4 दिए जलाए। सो लाइक वाइज थर्ड कार्ड देखते हैं, दैट इज दिस वन, जो कि है नंबर 10, चांस ऑफ गिव अप। ये गिव अप करने वाला है, ठीक है, या तो आपके ऊपर गिव अप करेगा या तो किसी और के ऊपर गिव अप करेगा, क्योंकि कई बार दिमाग, इंसान का दिमाग फट जाता है, यू नो, कि भाई बस हो गया, अब मैं और नहीं सहन कर सकता है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति थका हारा घर आ रहा है और कोई उसे पुकारे, कैसे हो आप, ये लाइक हे हाय, यू नो, तो अच्छा लगता है दोनों तरफ से, हाय हाय हाय, हेलो हेलो, तो क्या होगा, इंसान का दिमाग ये हो जाएगा ना। देखो कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में शांति सुकून पाना चाहता है, ठीक है, कई बार होता है कि भाई मुझे ये चाहिए मुझे वो भी चाहिए, दोनों साथ में नहीं चाहिए, वैनिला बटर स्कॉच अलग अलग, ठीक है, दोनों वैनिला बटर स्कॉच दोनों साथ में खा रहे कैसे लगेगा, यू नो, अलग फ्लेवर। ठीक है, फोर्थ कार्ड देखते हैं, दैट इज दिस वन, जो कि है 3 of Cups, ओके, फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन। चलो वो यहाँ पे कोई अलग ही बात दिख रही है, ये क्यों दिख रही है पता नहीं, मे बी आप तीनों लोग साथ में आ सकते हैं और इकट्ठा बात कर सकते हैं, या फिर आप तीनों की सोच एक जैसी हो सकती है, यू नो, ऑल ऑफ अ सडन कि क्या मिल रहा है आप तीनों को, यू नो, मिल के, या फिर आप तीनों को क्या मिल रहा है एग्जैक्टली, यू नो, क्या आप खुश हैं या आप दुखी हैं, या आपको अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, यू नो। देखो क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम जानकर भी अनजान होता है जिससे, यू नो, मे बी कोई आपका फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड को इनसे मिला है, एंड देन यू कम टू नो दैट योर फ्रेंड इज डेटिंग योर फ्रेंड, योर पर्सन। होता है ज़िंदगी में ऐसा, नहीं वैसे नहीं होता है ऐसा, तो तब आप क्या करोगे, यू नो, तो तब चीज़ें बदल जाती है ना कि भाई ऐसा होता है, यस रियल इन रियल इट हैपन्स, ठीक है। तो अगर ये हो रहा है तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदल रही है। एंड द फाइनल कार्ड कमिंग ओवर दिस डेक इज दिस वन, जो कि है डिसऑनर, 5 of Swords, एयर साइन, कम्युनिकेशन, ठीक है, शायद कोई किसी को दर्द ए दिल देने वाला है, ठीक है, दर्द किसी को मिलने वाला है, मे बी यू आर द वन और मे बी समबडी एल्स और ही इज़ द अल्टीमेट वन, जिसको खुद दर्द मिलने वाला है, क्योंकि आप ये ज़्यादा सोच नहीं सकते हैं ना कि भाई किसको दर्द मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, बट डिसऑनर इज लाइक दिस वन कि भाई फाइनली अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका जवाब आपको मिलेगा ना, है ना। जैसे कि ये आपसे बात कर रहे हैं और आपको पता है कि भाई ये व्यक्ति खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, यू नो, ये मुझसे बात कर रहा है किसी और से भी बात कर रहा है, व्हाई डू यू डू दैट, यू नो, तो आपको, आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, यू विल से दैट आई डोंट रिस्पेक्ट यू, है ना। रिस्पेक्ट की एक अलग जगह होती है, एक प्लेस होती है, अगर वो व्यक्ति उस जगह पे नहीं है तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि यू डोंट डिजर्व इट, है ना, तो वो यहाँ पे हो रहा है। सो समथिंग लाइक दैट, जो भी है वो आप जान लीजिए, एंड दिस वे वी कैन फोकस ऑन, ठीक है, इट आर रीडिंग, आई होप इट रेजोनेट, थैंक यू, साइनिंग ऑफ मी एनी टैरो।